त्यागी तो बंगाल का राजनीतिक तापमान आज ठीक वैसा है जैसा मई 2021 में बंगाल चुनाव के वक्त था। वही तेवर दिख रहे हैं, लेकिन तब और अब में थोड़ा फर्क ये है कि इस बार विवाद टीएमसी वर्सेस टीएमसी से पैदा हुआ है, और दूसरा ये कि इसमें हिंदू वर्सेस मुसलमान वाला भी रंग नहीं है। जिस टीएमसी नेता की हत्या हुई वो भी मुस्लिम था, और इस हत्या के बदले जिन लोगों को जिंदा जलाया गया वो भी मुस्लिम थे। हत्या और आगजनी का आरोप जिन पर लग रहा है वो भी टीएमसी का कार्डर है। अब तक आपको बता दें 22 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हिंसा के डर से कई लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। बंगाल के लिहाज से ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, लिहाजा सारी सियासी पार्टियां विवाद में कूद पड़ी। शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन बीरभूम पहुंच चुका है। राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर का चक्कर काट चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट खुद संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। राज्यपाल धनखड़ फिर से ममता के राज को जंगल राज बता चुके हैं। ऐसे में ममता भी खुलकर सामने आई है। ममता बनर्जी ने कहा कुछ लोग छींक आने पर भी कोर्ट चले जाते हैं, उनका निशाना बीजेपी और राज्यपाल दोनों पर है। ममता बनर्जी ये भी पूछ रहे हैं क्या ऐसी घटनाएं यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान में नहीं होती। ममता बनर्जी कल खुद बीरभूम जा रही हैं, जांच के लिए एसआईटी बना चुकी हैं, और इसीलिए जल्दी से आपको बताते हैं आज का हमारा पोल क्वेश्चन आपके लिए क्या है। क्या आप मानते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में हिंसा रोकने में नाकाम रही है? एक बार फिर से सुनिए हमारा सवाल जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा रोकने में क्या ममता बनर्जी की सरकार नाकाम रही है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो zeenews.com/vote के माध्यम से आप हम तक पहुंचाइए। एक बार फिर से दोहराते हुए zeenews.com/vote आपकी राय और कमेंट्स का हमें इंतजार है। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी राय और आपका रिस्पॉन्स हम अपने दर्शकों के साथ साझा भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। দশ কোটি এগারো কোটি লোক আছে এখানে, কোন একটা গ্রামে মধ্যরাতে গিয়ে কেউ একটা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, একটা খুন হয়ে যাচ্ছে, আমরা চাই না, তো অজান্তে হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না? ল এন্ড অর্ডার অ্যাবসলিউটলি ফেইলড, एकदम फेल कर चुका है, और एक ही मात्र सॉल्यूशन है जो मुझे दिखता है। पश्चिम बंगाल वासी को अगर जिंदा रखना है तो प्रेसिडेंट्स रूल के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। এখানে থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় উত্তর প্রদেশ বিহার রাজস্থান মধ্যপ্রদেশ উত্তর প্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়, আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না। बंगाल में आज मानव राज नहीं बल्कि दानव राज चल रहे हैं। कल हम लोगों ने अमित शाह जी से मुलाकात भी किया था, और 356 धारा लगाना बिना इसके लगाए हुए बंगाल में लोगों का जान और माल की सुरक्षा नहीं है। और आपको बता देते हैं हमारी आज की बहस इन सवालों के साथ है कि बीरभूम में बर्बरता के लिए कौन जिम्मेदार है? ममता राज में क्या अब यह माना जाए, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि अराजकता का राज है बंगाल में, ना हिंदू महफूज है ना मुसलमान महफूज है, तो महफूज कौन है? ममता लाचार है या फिर साजिश के शिकार है जैसा कि वो आरोप लगा रही है? और क्या जैसा बीजेपी कह रही है बंगाल में खूनी खेला खुल्लम खुल्ला हो रहा है?